आप सबको मालूम है काल यानी दिसंबर 15 तारीख को एक पोचिंग केस का इशू हुआ जो खरदोंगला के सोतपुलू के में सुनने में आया है। इसमें एक अतावला नाम का एक व्यक्ति और उनके साथियों ने वहाँ पे पोचिंग करके और दो ब्लू शिप को उन्होंने मार डाला है। हम ये बहुत ही दुखद बात है क्योंकि इससे पहले भी दो तीन बार हो चुका है लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। और इस तरह से अगर लद्दाख जैसे पीसफुल एरिया में अगर लोग गन लेके एक नेशनल हाईवे से जाके अगर हंटिंग कर रहे हैं रोड के सामने, तो ये आने वाले में हमारे जो लद्दाख के जो लॉ एंड ऑर्डर रहे, लद्दाख के जो पीसफुल रहने वालों के लिए बहुत ही क्वेश्चन मार्क है। मैं अभी कमिश्नर सेक्रेटरी से भी मिला हूँ LBA की तरफ से, मैं चीफ वार्ड लैब वार्डन से भी मिला हूँ। मैं हम रिक्वेस्ट करते हैं भाई इसमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो कार के कौन कौन जिसमें इनरोल है उसको कानूनी तहत उनको सजा मिले, क्योंकि अभी तक ऐसा सजा नहीं मिला है। तो मैंने अभी कमिश्नर सेक्रेटरी साहब और चीफ वार्ड लैब को मैंने क्लियर बता दिया है, अगर आने वाले में अगर आप लोग यहाँ पे अगर इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगा, इन एक्यूज़ों को आप एक्शन नहीं लेगा, तो आने वाले में हम प्रोटेस्ट भी करेंगे। तो मैं उम्मीद रखता हूँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और UT एडमिनिस्ट्रेशन और लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के, आप लोग इसको देखिए, इस केस की मामला को देखिए और देख के इसमें इन्वेस्टिगेशन करिए और इसमें जो भी एक्यूज है वो छूटना नहीं चाहिए। सुनने में आया है इसमें पुलिस वाला भी इनरोल है। अगर जब लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना पुलिस वाला भी इसमें इनरोल है तो इन्वेस्टिगेशन कैसे होगा, हमारे लॉ एंड ऑर्डर कैसे कंट्रोल होगा, कैसे वो लोग लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेगा। हम अभी गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन को हम डेलीगेशन जाने वाला है लद्दाख जैसे पीसफुल एरिया में, कोई गन लाइसेंस देने की जरूरत नहीं है, कोई किसी की लाइफ को थ्रेट नहीं है। अभी सुनने में 150 के करीब ले में गन लाइसेंस ऑर्डर है, तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आने वाले में ये जो जितना भी जो गन लाइसेंस है उनको कैंसिल करें। तो मैं UT एडमिनिस्ट्रेशन और जो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ इसमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो और जो भी कल्प्रिट है उसको सामने लाया जाए और उसको एज पर लॉ उनको स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। So yesterday on the New Year Ladakhi Loser, a very unfortunate incident happened. A few poachers had gone up in the upper Leh Valley in the Ganglas area and killed one blue sheep. That's what we came to know. And one blue sheep is injured. That's very unfortunate. This has been happening for many years now. And all the culprits, you know, they haven't been nabbed. And the people who got caught, they haven't been punished. So it's very unfortunate. And we here we are some organizations who have gathered here to condemn this act. It's very unfortunate. We as Ladakhi shouldn't do it. Now we are ushering into a new era of the Union Territory, and with that, a lot of people will come to Ladakh, and God knows what will happen. So we really should set an example, and we request all the concerned departments, the concerned authorities, to take strict actions so that it sets a precedence, it becomes a deterrence for all the people who might do such kind of activities in future. As all of us know that Ladakh is we have a very fragile ecosystem. Blue sheep is on the Schedule 1 of the Wildlife Protection Act of India. And if somebody kills an animal, which is on the Schedule 1, then he will get punishment, be it imprisonment or monetary punishment. So we request all the concerned authorities again to please take strict action so that it sets a precedence and becomes a deterrence for all the other people. Thank you so much. जैसे कि हम सबको पता है, हाल ही में एक पोचिंग का केस हुआ था साउथ पुलू पे वाइल्ड लाइफ के लोगों ने एक आदमी को पकड़ा पोचिंग करते हुए,
और हम आज कांग्रेस प्रेसिडेंट कार रिगजिन के साथ वाइल्ड लाइफ यहाँ पे देखने के लिए आए। वाइल्ड लाइफ चीफ वार्डन से हमने इंक्वायरी की कि यहाँ पे क्या क्या हुआ। उन्होंने हमें बताया कि एक ब्लू शीप जो इंजर्ड कंडीशन में है वो यहाँ पे अभी इनका ट्रीटमेंट चल रहा है, और दूसरा ब्लू शीप के सिर्फ स्किन को उन्होंने जब्त किया है, बाकी उनका मीट का कुछ नहीं पता चला है। तो मैं लद्दाख की आवाम को ये दिलासा देना चाहता हूँ कि ये जो केस है, पहले चाहे जैसा होता रहा हो, पहले जब हम जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर होते थे उस टाइम दूसरा एक का जे एंड के वाइल्ड लाइफ एक्ट लगता था, और अभी दूसरा एक्ट लग रहा है, सेंट्रल वाला एक्ट लग रहा है। तो मैं उस बेसिस पर मैं लद्दाख की आवाम को ये दिलासा देना चाहता हूँ कि ये जो केस है, ये इस केस को हम एक एग्जाम्पल बनाएंगे, इस केस को हम काउंसिल तक ले जाएंगे, और एलजी से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि इस केस को एक एग्जाम्पल बना के ऐसा लोगों पे दिखाया जाए कि अगली बार से कोई भी ऐसी हरकत करने की जुर्रत बिल्कुल ना करें। इन्होंने जो हरकत किया ले में ही गांगलेस विलेज में, जो बिल्कुल ले सिटी से बहुत पास है, उन्होंने वहाँ ये जुर्रत हरकत करने की जुर्रत की है, तो आप सोचिए कि दूर दराज के गाँव में वो कैसे हरकत कर सकते हैं। ये बिल्कुल एक क्रिमिनल एक्ट है, ये क्रिमिनल एक्ट को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और स्पेशली लद्दाख जैसे जगहों पे जहाँ पे हम एक ऐसे फ्रिजाइल इकोसिस्टम में रहते हैं, जहाँ पे हम जानवरों को भी बहुत प्यार करते हैं, हम ये कोशिश करेंगे कि इसके बाद ये ऐसी हादसा बिल्कुल नहीं हुआ। हाँ जी, पोचिंग केस को लेकर कल जो यहाँ पे एक घटना हुई थी साउथ पुल में, तो उसको लेकर कल अपना वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के रेंज ऑफिसर ले फुनसुख दोरजी और उनके टीम और SHO ले और मजिस्ट्रेट सारे वहाँ पे ऑन स्पॉट पहुँचे थे। तो उसके बाद कल्प्रिट को वहाँ पे ऑन स्पॉट पकड़ भी लिया है। तो उसके साथ उन्होंने जो वेपन उसके पास था वो कहीं छोड़ा हुए थे, तो फिर बाद में उसको पकड़ के फिर वापस गए थे उस ऊपर की तरफ, फिर वहाँ पे उसका वेपन मिला है, तो वेपन को भी रिकवर किया है, उसके बाद सील किया है। तो इसको लेकर हमारा जो अभी इन्वेस्टिगेशन जो है कंटिन्यू, अभी भी फर्दर कंटिन्यू रहेंगे। अभी तक जितने भी हमारे नॉलेज में आया है, जो कल्प्रिट जो कल पकड़े थे उसने एक्सेप्ट किया है कि वो वहाँ पे थे, उसने मतलब अटैक किए थे। तो उसके बाद जो एक इंजर्ड हुए थे ब्लू शिप का, तो उसको यहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री के एक क्लिनिक सेंटर पर लाए थे, उसको कल यहाँ पे मेडिसिन दिए थे। फिर अभी जो बाकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो है इसमें कंटिन्यू जारी रहेंगे। जो मेरा जो अभी जो पोर्टफोलियो है ये वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट का, अभी मेरे पास जिम्मेवारी लेके अभी एक महीना से ज़्यादा हो रहा है, तो मैंने साथ ही साथ जो बीते हुए सालों में जो इंसिडेंट हुआ है पूछिंग को लेकर, तो उसके बारे में भी मैं अभी जो पूछताछ करेंगे। तो कल जो हुआ है ये अभी हमारे पास एक नया है केस है, तो उसको लेकर मैंने इंस्ट्रक्शन दिया है चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन और वाइल्ड लाइफ वार्डन सारे को। तो इसको लेकर हमने जो जितने भी उन्होंने अभी जो गलत किया है, तो उसको लेकर वाइल्ड लाइफ के कानून के हिसाब से उसको पक्का सज़ा दिए जाएंगे। आगे पुलिस इन्वॉल्व है इसमें? नहीं, पुलिस जो इन्वॉल्व है ये अभी हम श्योर नहीं है, क्योंकि इसके लिए ये तो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। तो अभी तक हमारे नॉलेज में ये नहीं आया कि पुलिस भी इसमें इन्वॉल्व है करके। तो अभी तक जो इसके पीछे जितने भी हम इन्वॉल्व है ये हम फर्दर इन्वेस्टिगेट करेंगे इसको लेकर, क्योंकि अभी तो हमारे पास एक ही कल्प्रिट है, उन्होंने एक्सेप्ट किया है, बस वो अकेला था कल। तो अभी जो सोर्सेस में रूमर्स में चल रहे, कहीं सोशल मीडिया में भी इसका जो चर्चा हो रहा है कि इसके साथ पुलिस भी थे और कई सारे भी है, तो उसको लेकर हम चर्चा करेंगे। उसको लेकर हम अपने मजिस्ट्रेट और वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को मैंने इंस्ट्रक्शन दे रखा है, पूरा हम इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे फर्दर। ये वेपन जो रिकवर हुआ है वो लाइसेंस वेपन है कि ऐसे? नहीं, अभी इसको भी हमने पता नहीं चला। ये बोलते हैं वो जो कल्प्रिट कल पकड़े थे उसने बोला कि उसका बाइक का वेपन से है, तो अभी तक इसका लाइसेंस है क्या है ये हम फ्यूचर आप लोगों को बता जाएंगे। तो सर हम यही उम्मीद करें कि आगे जो ये केसेस हैं जी, इसको ज़्यादा आप अच्छे से मतलब ज़्यादा लोगों को या जितने भी अलाइंड डिपार्टमेंट्स हैं वाइल्ड लाइफ, क्या इसमें हम यही उम्मीद करें कि कोई कंक्रीट रिजल्ट निकल पाएगा? बिल्कुल, इसको लेकर ये मेरे सामने एक नया केस आया है, तो इसको लेकर मैं आगे सबको मैं ये मीडिया के थ्रू आप लोगों के थ्रू ये एश्योर देता हूँ, तो इसको लेकर हम सख्त सज़ा दिए जाएंगे। इसमें जितने भी मतलब इन्वॉल्व हुआ है तो उसको हम पक्का इन्वेस्टिगेशन करेंगे, और जितना इन्वॉल्व तो होगा उन सबको भी बस बराबर सज़ा दिए जाएंगे। जी,
देखिए कल का जो इंसिडेंट है, ये सुबह कल लोसर का भी त्यौहार था, तो कल सुबह ही हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिली अर्ली मॉर्निंग 8 बजे की 7:30-8 बजे के बीच में कि ऊपर जो साउथ पुलों के पास कोई इस तरह का कोई वो हुआ है, कोई फायरिंग सुनी गई है। इन स्पाइट ऑफ बीइंग ए हॉलीडे एंड ए फेस्टिवल डे ऑफ लोसर, हमारा स्टाफ सारा वो रश्ड ऑल ओवर स्टाफ टू द एरिया और मैं खुद भी वहाँ चला गया ऑन स्पॉट और हमने वहाँ पे आफ्टर प्रॉपरली कॉम्बिंग द एरिया और उसको घेरा करके तो जो हमने कल्प्रिट है उसको मौके से पकड़ लिया जो उसमें इन्वॉल्व था। और उसमें जो हमारा एक ब्लू शीप जो थोड़ा सा जख्मी हुआ था, जिसको थोड़ा इंटरनल इंजरी थी और कुछ ब्लीडिंग थी, तो उसको भी हमने वहाँ से रेस्क्यू करके यहाँ लाया, अपने रेस्क्यू सेंटर में उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया। यहाँ गवर्नमेंट का जो वेटरनरी हॉस्पिटल है वहाँ पे एक्सरे वगैरह उसका हुआ, फिर उसको अपने रेस्क्यू सेंटर में हमने शिफ्ट किया है। और जो कल्प्रिट है उसको हमने मौके से अरेस्ट किया और जो उनने गन यूज़ की थी और ऑन हिज आइडेंटिफिकेशन वी रिकवर्ड दैट गन ऑल्सो, दैट इज़ पॉइंट टू, तो वो भी हमने रिकवर किया, वो सारा सीज हमने किया। पॉइंट टू तो वो हमने सारा सीज करके वे रिकवर्ड दिस, क्या कहते हैं, जो उसमें जो भी इन्वॉल्वमेंट थी, जो भी उसमें एमिनेशन इन्वॉल्व था, वो सारा हमने रिकवर किया। और उसके बाद उसको हमने लाया यहाँ पे आफ्टर मेकिंग ए केस फॉर हिम, तो हमने वी प्रोड्यूस्ड हिम बिफोर द, क्योंकि उस वक्त रात भी बड़ी देर हो गई थी, कल वैसे भी छुट्टी थी, तो मेडिकल एग्जामिनेशन करवा के जो भी लीगल रिक्वायरमेंट्स थी वो करके, तो जज साहब से हमने फिर घर पे ही रिमांड लिया उनका, एंड ही हैज़ ग्रांटेड ए 5 days रिमांड फॉर हिम, इनिशियल रिमांड। तो क्योंकि हमारे पास कोई लॉकअप की फैसिलिटी नहीं होती है हमारे पास, ना हम रख सकते हैं, तो देन आफ्टर गेटिंग द रिमांड फ्रॉम द ऑनरेबल जज वी हैव शिफ्टेड हिम टू द पुलिस कस्टडी, ही इज़ इन द पुलिस कस्टडी, वी हैव गॉट इनिशियल रिमांड फॉर 5 days एंड वी आर वर्किंग ऑन ऑल द इशूज इन्वॉल्व्ड, वी हैव सीज्ड द गन ऑल्सो, तो वी आर वर्किंग आउट इट कि इसमें और कौन लोग तो नहीं इन्वॉल्व थे, हु आर दे, वी ऑट टू आइडेंटिफाई देम, सो ही इज़ इन आवर कस्टडी, तो वी विल, सो आई होप वी विल बी एबल टू गेट सम मोर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम यू। नो इट वी हैव ऑल्सो हर्ड अबाउट लाइक दैट, बट अभी ऐसा कुछ हमारे पास कोई कन्फर्मेशन नहीं है कि कौन है, बिकॉज कल हमने उसको लाया, हम रात को तकरीबन 10:30-11 बजे हमें उसका रिमांड मिला एंड वी शिफ्टेड हिम टू द पुलिस लॉकअप। तो ये तो अभी हम उसके साथ जब उसका आज हमने फिर उसको कोर्ट में पेश करना था, अभी कोर्ट में ले गए हैं, तो वैन वी विल उससे जब हम पूछताछ करेंगे, वैन विल इंक्वायरीज, तो तब हमें पता चलेगा कि और कौन लोग इन्वॉल्व है, कैसे इन्वॉल्व है। ये तो ऐसे तो हमने भी सुना, बट इट विल बी कन्फर्म ओनली आफ्टर ही इज़ प्रॉपरली इंटेग्रेटेड एंड ही, बिकॉज कन्फेशन स्टेटमेंट में तो उसने ऐसा कुछ नहीं कहा है। तो गन का लाइसेंस था सर उनके पास? नहीं, दैट वाज नॉट हिज गन, गन का लाइसेंस तो है मगर किसी और के नाम है, खुद का नहीं, उसका नहीं है। तो वो हम सारा एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं, वी हैव मेड अ केस आउट ऑफ इट अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, तो वी विल टेक इट टू द लॉजिकल कंक्लूजन। वही तो मैं कह रहा हूँ ना आपसे, वॉचर्स हमारे पास एंटी पोचिंग वॉचर्स, वही तो तभी तो इन्फॉर्मेशन मिला, अदरवाइज कल लोसर था। नहीं नहीं, देखिए इतने बड़े लैंडस्केप में आप कहाँ, आपके पास कोई ऐसा तो है नहीं कि आप हर जगह बैठेंगी, और इसमें हर आदमी के पास तकरीबन इन हंड्रेड्स किलोमीटर्स वो होता है एरिया, तो वो पॉसिबल नहीं होता उस तरह से कि आप बिल्कुल ऑन स्पॉट बैठे होंगे, तो फिर तो वो हो गए, होने ही नहीं देगा, तो ये ऐसा नहीं होता है। बट ये है कि टाइमली इंफॉर्मेशन वी गॉट इट, एंड इन स्पाइट ऑफ बीइंग ए हॉलीडे एंड ए फेस्टिवल डे, हमने अपने सारे रिसोर्स उस वक्त कलेक्ट करके उनको मोबालाइज करके वी डिड वट एवर पॉसिबल वॉज इन दैट सिचुएशन, क्योंकि हमने कल्प्रिट को भी पकड़ा, गन भी सीज की और उसका रिमांड भी ले लिया, उसको पुलिस लॉकअप में भी पहुंचा दिया, सो वी आर ऑन द ट्रैक। और इस बारे में देयर विल बी नो लैक्सिटी ऑन अवर और ऑन द पार्ट ऑफ द डिपार्टमेंट और एनी अदर एजेंसी, बिकॉज
we have got clear directions from the Honorable Lieutenant Governor also, from our Honorable Advisor and our Commissioner Secretary also, that there should be no laxity. Or ye jo hai, we will take this case to the logical conclusion.